हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 अभी जो आप आवाज सुन रहे हो उसका जो इनपुट वाला माइक है वो है ये एज यू कैन हियर गाइस आप में से बहुत सारे लोग मेरे को ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हो कि भाई तू कौन सा वाला माइक यूज करता है कि इतना ज्यादा क्लियर वॉयस हमें सुनने को मिलता है। देखो भाई ऑडियंस हमें माइक के थ्रू सुनता है सो हमें माइक पर कैसे बोलना पड़ता है वो भी मैटर करता है कभी कभार। और रही बात वॉइस क्वालिटी की अगर आपको एकदम प्रोफेशनल वे में एकदम वॉइस ओवर करना है या फिर आप बहुत ही प्रोफेशनल वे में सिंगिंग करना चाहते हो लाइक गाने वगैरह को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फिर ऑफकोर्स आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है माइक्रोफोन परचेस करना पड़ेगा जिसका प्राइस लगभग 10,000 20,000 1,00,000 तक भी होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टार्टअप करना चाहते हो किसी भी फील्ड में लाइक वॉइस ओवर करने के लिए या फिर सिंगिंग करने के लिए तो फिर रुक जाओ क्योंकि आपका जो माइक है वो आपके पास ही है, आप जिससे इस वीडियो को देख रहे हो उसी पर ही अवेलेबल है, वो है आपका स्मार्टफोन। गाइज आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके स्मार्टफोन पर जो ये माइक दिया गया है वो कितना ज्यादा कमाल का वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है क्योंकि हम लोग कभी भी अपने स्मार्टफोन का जो माइक है उसका जो इनपुट क्वालिटी कैसा हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हमने कभी भी इसको एनालाइज करके नहीं देखा। सो कोई बात नहीं क्योंकि मैं इस वीडियो पर यह दिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन पर अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर कैसे एकदम से प्रोफेशनल जो है वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। देखना इस वीडियो को लास्ट तक क्योंकि मैं इस वीडियो पर एकदम से सिंपल वे में दिखाने वाला हूं इस चीज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक जरूर से कर देना। हेलो फ्रेंड्स बहुत का शराब दिखल टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। सो अगर आप अपने स्मार्टफोन के माइक के जरिए अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो एकदम प्रोफेशनली तो फिर आपको दो चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहला जो मेन चीज है वो ये है कि आप माइक के सामने एकदम से लाउड में बोलो, जो भी कहना है एकदम से लाउडली कहो। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम चीख दिया फाड़ दिया कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा के उसके बाद जाके आप कुछ भी बोलो तो फिर जो इनपुट है वो बहुत ही आसानी से ले पाएगा माइक्रोफोन। उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो इसका वॉल्यूम एडिटिंग करते वक्त। उसके बाद जो दूसरा मेन चीज है कि आप किस पोजीशन पे अपने स्मार्टफोन को पकड़ के जो है वो वॉइस को रिकॉर्ड करोगे वो भी मैटर करता है क्योंकि अगर आप ऐसे करके डायरेक्टली जो माइक्रोफोन है उसको अपने मुंह के सामने ला के अगर आप वॉइस ओवर करोगे तो फिर आपको जो ब और जो इसका जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा सुनाई देगा। अगर आप इसको रिकॉर्ड करने के बाद ईयरफोन को लगा के सुनोगे तब जाके आप समझ पाओगे। हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल एंड आप सुन सकते हो कि इसका जो साउंड है आप कैसा है आप देख लो। सो अगर आप अपने स्मार्टफोन से वॉइस ओवर करना चाहते हो तो फिर जो मेन पोजीशन है पकड़ने का वो है ये या फिर ये। इस पोजीशन पे अगर आप वॉइस ओवर करते हो तो फिर क्या होता है कि अगर आप कुछ भी बोलते हो तो फिर जो हवा है मुंह से जो निकलता है वो सामने से निकल जाता है लेकिन जो साउंड है वो ये माइक पकड़ लेता है। सो एज यू कैन सी जो साउंड है वो कुछ इस तरीके का है, आप सुन सकते हो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर लग रहा है मेरे को। आप सुन के बताओ कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे। एक चीज शायद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो वॉयस है उसको मैंने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किया है और इतना ज्यादा क्लियर कैसे। देखो भाई मैंने कुछ रिसर्च भी किया है, उस रिसर्च से ये पता चला है कि जो आपका जो स्मार्टफोन है उस पर जो रिकॉर्डिंग करने का जो एप्लीकेशन दिया जाता है वो उतने अच्छे तरीके से जो है माइक्रोफोन से जो इनपुट है उसको नहीं ले पाता। सो अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्मार्टफोन है उसका जो माइक है उसका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो हो सकता है इनपुट लेने का उसको अगर आप ग्रैब करना चाहते हो तो फिर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है RecForge 2। बहुत ही ज्यादा कमाल का रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन आप इसको कह सकते हो। और भी है स्मार्ट वॉइस रिकॉर्डर करके जिसको मैं पहले टाइम पे यूज करता था लेकिन अभी जाके ये वाला एप्लीकेशन मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, नॉट स्पॉन्सर्ड। सो जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो फिर आप देख पाओगे कि इसका जो लुक है वो दिखने में कुछ ऐसा है एंड मैंने कुछ पहले से सैंपल्स रिकॉर्ड करके रखे थे इसलिए यहाँ पर कुछ फाइल्स यहाँ पर शो कर रहा है। एनीवेज आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपको सिंपली एक रिकॉर्ड करने का बटन जो है वो दिखाई दे रहा है लेकिन उससे पहले मेक श्योर दैट कि आपको पहले ऊपर जो एक माइक्रोफोन का बटन है उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर जो आप एक ऑप्शन देख रहे हो इफेक्ट्स के नीचे यहाँ पर जो एक नॉइस सस्पेंसर करके एक ऑप्शन है उसको आप ध्यान से अनेबल करके रखना अच्छा होगा रिकॉर्डिंग करते वक्त। एज यू कैन सी कि जैसे ही मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड बटन पर टैप किया तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है बहुत ही कमाल का बार्स आपको यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है दिखने में। एंड और एक बात कि आपको नीचे जो है यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो फिर आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसका फायदा यह है कि आप इस स्मार्टफोन का जो माइक है उसका जो इनपुट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको घटाता हूँ आप देख लो
यहाँ पर जो है बार्स जो है, मैं जितना ज्यादा लाउडली कहूंगा तब भी यहाँ पर जो इनपुट लेवल है आप देख सकते हो बार्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कम आपको यहाँ पर शो कर रहा है। एंड जैसे ये मैं इसको बढ़ाता हूँ आप देख लो कि कितना ज्यादा हाई बार्स है, यहाँ पर कान फट जाएगा भाई। सो आप अपना जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसका इनपुट लेवल है उसको आप कंट्रोल कस्टमाइज कर सकते हो, आपकी मर्जी आप कैसा रखना चाहते हो। इस पर जो ये वॉइस इनपुट करने का जो कंट्रोलर आपको दिया गया है उसका फायदा, मेन फायदा ये है कि मान लो कि आप एक ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जिसके आसपास बहुत ही ज्यादा नॉइस आपको सुनने को मिलता है, जिससे कि आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है, तो फिर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इनपुट लेवल आप घटा के आप वॉइस ओवर कर सकते हो एकदम से मुंह के पास लाके, उससे जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आपको सुनने को कम मिलेगा बहुत ही ज़्यादा। सो ये तो हो गया वॉइस रिकॉर्ड करने का बेस्ट ऐप, जिससे कि आप वॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बारीकी से जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी बात आता है कि जो नॉइस रहता है वो अपने वॉइस पे उसको कैसे हटाए अपने रिकॉर्डिंग से, और उसी के बाद उसको आप कैसे इन्हेंस करें जिससे कि आपका जो गला है वो थोड़ा सा भारी लगे, और अगर बहुत ज्यादा लो आप बातें करते हो तो फिर उसको कैसे लाउड करें, और अगर आप बहुत ज्यादा लाउडली बोलते हो तो फिर उसको कैसे कंप्रेस करें। ऐसे बहुत सारे सिली सिली चीजें हैं जिसको कि आप कर सकते हो वो भी अपने स्मार्टफोन से। रियली सो जो एप्लीकेशन है उसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, एज यू कैन सी दिखने में कुछ ऐसा है, और ये बिल्कुल फ्री है प्ले स्टोर पे एंड नॉट स्पॉन्सर्ड। इस एप्लीकेशन को आप एंड्रॉयड का ऑडेसिटी कह सकते हो। ऑडेसिटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप कंप्यूटर पे ऑडियो को एकदम से एडिट कर सकते हो एंड जो नॉइस है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, और इंटरेस्टिंग बात कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल फ्री है। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, जो लेक्सिस ऑडियो एडिटर आप देख रहे हो वो भी एकदम से फ्री है, जिसको कि अगर आप ओपन करोगे तो फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और ये पहले से आपको लैंडस्केप मोड पर देखने को मिलेगा। एनीवेज पहले तो आपको यहाँ पर जो ओपन का बटन है उस पर आपको टैप करना है किसी भी ऑडियो फाइल को ओपन करने के लिए। सो मैं यहाँ से किसी भी एक फाइल को चूज कर लेता हूँ जो कि रैक फोर्स से मैंने रिकॉर्ड किया था। सो मैंने कर लिया सिलेक्ट एंड करते हैं इसको ओपन। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कुछ नॉइसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एज यू कैन सी। इनको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर जो थ्री डॉट्स आप देख रहे हो आपको इस पर टैप करना है, एंड जो इफेक्ट्स का ऑप्शन है उस पर भी आपको टैप करना है। सो यस बूम, आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे एडवांस टाइप का ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल ऑडेसिटी में अवेलेबल है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर नॉर्मलाइज, रिवर्स, चेंज पिच, चेंज स्पीड, नॉइस रिडक्शन, कंप्रेसर, इक्वलाइजर, इको, रिवर्ट, वोकोडर, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इनको एक एक करके अप्लाई करके देख सकते हो। एक डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नॉइस रिडक्शन पर टैप करता हूँ, एंड यस यहाँ पर सब कुछ सेट है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो फिर आप इनको मैनुअली कस्टमाइज करके देख सकते हो। सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई पर टैप किया और काम चालू, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहले जो बार्स है वो थोड़ा सा आपको मोटापा देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी ये जो बार्स है वो एकदम से घट चुका है, यानी कि जो बैकग्राउंड नॉइस है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सो जैसे कि आपने देखा कि कितना ज़्यादा सिंपल है एक वॉइस को रिकॉर्ड करना अपने स्मार्टफोन के जरिए, अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के जरिए, उसके बाद आप इसको कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एडिट भी कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से। सो मैंने दोनों एप्लीकेशंस का जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है, आप वहाँ पर जाके बहुत ही आसानी से उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, अप्लाई करके देख सकते हो। ऑलराइट, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था एज अ स्टार्टअप, उस टाइम पे मेरे पास ना था कोई DSLR, उसके बाद कोई भी प्रोफेशनल माइक, सब कुछ मैं अपने स्मार्टफोन से करता था। सो पहले टाइम के 6 महीने मैंने इस स्मार्टफोन से ही जो वॉइस ओवर करता था वो मैं स्मार्टफोन से ही करता था, उसके बाद एडिट जो भी है, नॉइस रिडक्शन जो भी है। और मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछता था कि भाई तू कौन सा वाला माइक यूज करता है, या फिर कैसे तू रिकॉर्ड करता है, क्या है। सो आज जाके मैंने रिवील किया कि मैंने पहले 6 महीने अपने स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड किया था, अपने स्मार्टफोन से ही इसको वॉइस ओवर किया था, एडिट किया था, सब कुछ। ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कोई भी चीज़
में स्टार्टअप करना चाहते हो तो फिर एकदम बहुत कुछ लेके कैमरा प्रोफेशनल माइक सब कुछ लेके एकदम प्रोफेशनल वे में स्टार्ट कर लो तो फिर शायद काम बन जाएगा। आप स्टार्ट तो करके देखो, एक एक करके आप परचेस करना, जब आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए आप इसको अप्लाई करके देखो, आपका पैसा बच जाएगा। मेरे को पता है किसी के पास भी उतना ज्यादा पैसा नहीं होता स्टार्टअप के लिए। एनीवेज यही था आज का वीडियो। मेरे को पता है बहुत ज्यादा क्विक टाइप का वीडियो है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वीडियो है। काफी सारे लोग मेरे से ये पूछता था कि कैसे हम इसको रिकॉर्ड करें, कैसे इसको एडिट करें। सो यस, हियर इट इज। आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड अगर आपको ऐसे टाइप के एकदम से लो बजट में कैसे स्टार्ट करें, या फिर कैसे, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन पर ये भी बताना कि हाँ मेरे को चाहिए इस टॉपिक पे वीडियो। एनीवेज वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों को जरूर से इस वीडियो को शेयर करना। अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो तो फिर दिखा देना टेक्निकल स्काई का वीडियो, आकाश भाई का वीडियो। एंड हाँ, जो तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी एक्सेलेंट वीडियो के साथ। सो गुड बाय।